श्री मम्मज ओम री परम पूज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज साक्षात निर्माण विहार चतुर्मास में विराजमान उनके चरणों में मन वचन काय से अनर्पण प्राप्त और गम निर्भवामिति। चले आइए बबीता जी, 2300 ग्राम का लाडू यहाँ पर समर्पित हो रहा है संकट अरण पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से। चलिए वो तीरथ बड़ा महान है, तिर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा वहाँ। कम से कम स्टेप तो बराबर चलना चाहिए डबल से। हाँ जी कोई और परिवार? हाँ जी 15,115 रुपया 15,115 रुपया। हाँ जी निर्माण लाडू चढ़ाने का सोमनाथ भगवान अतिशय कार्य मंदिर में चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सम्मेय शिखर की रचना यहीं पर है, स्वर्ण भट्ट कूट यहीं पर है और ये जैनियों का गौरव है कि सबसे बड़े तीर्थ की जल और मिट्टी भी राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास में जा रही है। ऐसे सौभाग्यशाली पुनर्जन्म करने का सौभाग्य लेंगे। लीजिए कौन लेगा 15,115 रुपया? हाँ जी और कोई 15,115 रुपये? एक बार लीजिए। शरद भाई साहब जी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। 31,131 रुपए एक बार 31,131। हाँ जी छोड़ दे बोली। चुप चुप बैठे हो जरूर पार्श निर्वाण की रात है। जब से ये परिवार तन मन और धन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इनके परिवार के लिए सभी एक बार जोरदार अनुमोदन करके तालियां बजाए। बंधुओं हमारे बीच में हमारे सबके प्रिय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी अध्यक्ष महासभा, श्रीमान शरद राज जी कासलीवाल अध्यक्ष जिंत्रे मंदिर द्वारका भी आए हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आज जैन समाज को जैन बनने का सभी को गौरव दिया और देश में नहीं विदेशों में भी पूरे धर्म की पहचान करवाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन और अभी भी जो लग रहे हैं धर्म के कार्य में बिताया है। ऐसे निर्मल कुमार जी सेठी के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। भाई साहब पूजा पूजा हाँ। शिखर जी ले चालो सा सरगम करो में हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। सभी अपनी थाली में स्वास्तिक बना लें और हम पूजा पीठ का पीछे से लेंगे बंदों पांचों परम गुरु से
इस बात का ध्यान रखेंगे और भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान करते हुए चलते हैं। लीजिए पपीता जी। बंदो रत जागन हरण मंगल करण कर्म मंगल में मंगल करो हरो असाता कर्म मंगल पाठ विनय पाठ ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताड़मो नमो सीताड़म नमो आयरियाड़मो नमो मूल मंत्र बो नम पुष्पांजलि छिपामी पुष्पांजलि क्षिपे अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्त दीप वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुचते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा याय सुमित परमात्मनम से ब्रह्म्यंतरे शुची अपराजित मंत्रो तयम सर्व विघ्न विनाशना मंगले चुच सर्वेशु प्रथमं मंगलम मते ऐसो पंच नमो यारो सव्वे पाव पणासनो मंगलानंचे सव्वे सिम परमं हवई मंगलम अरहमिदत विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम विघ्नो गह प्रलम याति शाकिनी भूतपन्नः गा विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमानी चिनीश्वरे। चलिए आइए पुष्पांजलि करेंगे, एक ही अर्घ पढ़ेंगे उसमें बाकी पीछे के तीन पढ़ देंगे, मंत्र में पढ़ लूंगा। ओम इति परि पुष्पांजलि क्षिपे उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्पिते बबल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे कल्याण महम यजे जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम रेम श्री भगवतो पंच कल्याण प्राप्त पो नमः। ओम रेम श्री पंच परमेश पो नमः। ओम ऋषि भगवान जिन अष्टाधिक साविष्ट नाम पो नमः। ओम रेम सम्यक दर्शन ज्ञान चंद्र उपाशित तत्वाधि जलाधि पूर्ण मार्ग निर्भपामिति स्वाहा। श्रीमद जी श्रीमद जिनेन्द्र मिवंद जगत स्याद्वाद नायक मनंत चतुश्रियामा श्री मूल संग धर्म ध्वजा लहराएंगे चलो शिखर जी में हम अपनी पूजा पाठ रचाएंगे लाडू आज चढ़ाएंगे निर्वाण महोत्सव मनाएंगे श्री वृषभो ना स्वास्ति स्वस्ति श्री अजीता श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वास्ति
स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयांचल स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रत श्री नामी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमी नाथ श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। इति चतुर्विश तीर्थंकर जिने स्वस्ति मंगल पाठ विधानम परमार श्री स्वस्ति मंगल पाठ विधानम पुष्पांजलि क्षिपे अष्ट शास्त्र की बोलियां विद्यमान श्री भीष्म तीर्थंकर शुद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसाद गुरु विद्यमान भीष्म तीर्थंकर अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर को नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा जल फले आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो चौबीसो शिर दिन चंद आनंद कंद सहित पद जगत हरत भव पंड पावत मोक्ष शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुली मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुने कर नाचत ताल मृदंग बजाय आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्थ फल प्राप्ति अर्घम निर्वपामति सजी आठो द्रव्य पुनीत आठो अंग नमो पूजो अष्टम जिन मीत अष्टम अवनि गमो श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे मन वच गद जगत अमांद पावत ज्योत जगे। ओम ह्रीं श्री देहरेश चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अनर्थ फल प्राप्ति अर्घम दिवसुद्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय भक्त रतन के तुम ही साहिब दीजो शिवपुर राज कराए शांति नाथ पंचम जागे सर्वादत मदन तनो पद पाए श्री जी के चरण कमल को पूजे रोगे तो के दुख दारी जाए। ओम ह्रीं श्री शांति नाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्थ फल प्राप्ति अर्घम निर्वपामति। आइए अब चलते हैं गिरनार जी जहाँ के लिए आदरणीय निर्मल सेठी जी पूरे तन मन धन से अपना संघर्ष कर रहे हैं और उस भूमि पर हमारा ही अधिकार है ऐसा एक दिन हम जरूर स्थापित करेंगे है ही है। जल फला दिशा सुचली ने आठों द्रव मिलाए अष्टम चिति के राज करण को जजो अंग बसनाई दाता मोक्ष के श्री ने मीनाथ समय अनर्घ फल प्राप्त पूर्ण महा अर्घम निर्वपामति। बोलो कले कले बाबा की जय। मधुवन वाले बाबा की जय। पेज नंबर आपकी पुस्तक में है जिनवाणी में 133 133 मूल पूजा पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो संकटरण पार्श्वनाथ भगवान की। आओ आओ जी सावलिया पार्श्वनाथ शिखर जी के साहिबा आओ आओ जी सावलिया पार्श्वनाथ शिखर जी के साहिबा ऊंचे पर्वत से पकड़ो जी मोर हाथ शिखर जी के साहिबा वर्ग स्वर्ग मद को बिहाय सुमात वामा सुत भई अश्व से लिखे पाशु जिनेश्वर चरणन जिनके सुर ने तब हाथ उन्नत तन विराजे उरग लक्षण अतील से तापू तुम्हें जिन आये तिष्ठो कर्म मेरे सब नशे। चले आइए आवाहन करें स्थापन करें सन्निकरण करें हाथ जोड़ लें। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र साक्षात वेदी में विराजमान अति अवतर अवतर शंभो शिट महावानम जय 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 हो।
नादि के शरादि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चर्च मोह ताप को हनीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ नारायण नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्भय पावते। अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्भवामती। केवड़ा गुलाब मार केत की चुनाई के, चार चरण के समीप काम को नशाई के। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ नारायण नमः। काम बाण दर्शनाय पुष्पम निर्भय पावती। घेवरा दीपा अंधकार विनाशनाय दीपम निर्भवामती। धूप गंध लिए सुअग्नि संग जारिए, दास धूप के सुसंग अष्ट कर्म वारिए। पार्श्वनाथ देव देव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अष्ट दुष्ट कर्म धारणाय धूपम निर्भवामती। हुमेनी तेरे ही भरोसे पार्श्वनाथ पावर में नैया डाल दे, हार का भी चिर बना दी रत्न थाल में भरू, हर्ष धार उठाइए दोनों हाथ एक साथ सुमोक्ष सौख्य को भरू। ओ पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्भवामती। पारस प्यारा लागो जीवेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो जीवेश्वर प्यारा लागो। थाकी पाकड़ ली झाड़ा में रस तो भूलो जी मारा पारस जी, हाँ भूलो जी मारा पारस जी, मैं कहलो कैया पावाला।
का प्यारी लागे पारस जी मैं रस्तो कैया पावाला चलाएंगे फिर 355 नंबर पर निर्वाण कांड निकाल लेंगे और शीघ्रता से चले हाँ चले शुभ प्राण स्वर्ग बिहाई प्राण वर्ग बिहाई वामा माता उर आए हम पूजे ओम ह्रीम वैशाख कृष्ण द्वितीय हम घर मंगल मंडता है श्री पारसनाथ जी निंद्राए अनर्घ फल प्राप्त है अर्घम पौषी एकादश आई तब पारे भावना भाई अपने कर लौच सुखीना हम पूजे चरण जजीना ओम ह्रीम पौष कृष्ण एकादशायाम तपो मंगल मणिता श्री पारसनाथ जी निंद्राय नमः अनर्घ फल प्राप्ते अर्घम निर्वपामति तेरी परिणति से भगवान प्रकट हो जाए केवल ज्ञान तेरी परिणति से पढ़ेंगे और सभी लोग जिनके पास में लड्डू नहीं आया लड्डू ले लें सभी टेबल पे लड्डू का इंतजाम किया हुआ है सभी अपने सिर पर लड्डू रखेंगे कोई भी नीचे नहीं रखेगा सिर पर लगकर एक एक लोग आएंगे लाइन से आएंगे आपको सारा देश पूरा संसार देख रहा है कोई भी आराम आराम से एक एक परिवार करके लड्डू चढ़ाने के लिए आगे आएंगे चलिए अर्घ ले लेंगे सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जहाँ सत्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जहाँ सत्य अहिंसा क्षमा भाव का हर पल रहता बसेरा वो जैन धर्म है मेरा वो जैन जहाँ सत्य अहिंसा दया भाव का हर पल रहता बसेरा वो जैन धर्म है मेरा वो जैन धर्म है चले आइए
चलेंगे निर्माण कांड ले जी जैन, एक ऐसा परिवार जो इस मंदिर में आने के बाद में रोज प्रतिक्रिया करते हैं, रोज यहाँ पर आते हैं और यही पूछते हैं कि ये मंदिर कब बनेगा। मैंने बोला अजय भाई साहब, ये मंदिर इतना जल्दी, इतना सुंदर अतिशय क्षेत्र बनेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुण मंडी वाले बाबा की। जय बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज का यह जिन्हों को दिखाया जा रहा है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, नितिन जी, जो कि रहेजा डेवलपर्स के साथ में हैं, उनके परिवार के द्वारा समस्त सौजन्य जो जिनवाणी चैनल पर पूरा संसार देख रहा है या उनके परिवार की तरफ से है, उनको हमारी तरफ से भगवान संकटरण भगवान पार्श्वनाथ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। आइए निर्माण कांड ले लें। साते सावन आई शिव नारी परो जिन राई समेदा चल हरि माना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। तुम शिखर समेत को जइयो
जइयो और पार्श्व प्रभु से गइयो, हम तो आए तेरे द्वार प्रभु शरण में अपनी रखियो, हम तो आए तेरे द्वार प्रभु शरण में अपनी रखियो। भगवान के चरण कमल पर सुवर्ण बद्ध कूट पर हम सभी लड्डू चढ़ा रहे हैं, तैयार। जिनवानी चैनल के माध्यम से 1 नवंबर को ठीक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दिखाया जाएगा। और इस बार एक नहीं, दो नहीं, 5,000 नहीं, 10 लाख लोग इस याद रखें, 1 नवंबर 2020 को प्रातः 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक श्री सम्मेद शिखर जी से लाइव यात्रा। आप सभी लोगों को पारस चैनल के माध्यम से, जिनवानी चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। अब की बार की यात्रा आपको अपने अपने घरों पर बैठ करके ही करनी है, क्योंकि शायद हम सम्मेद शिखर जी इतने लोगों को नहीं लेके जा सकते हैं। आप सभी लोग घर बैठे वंदना करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद लीजिए और लड्डू समर्पण किया। कैसा लग रहा है दो जी टॉप है पारसनाथ? देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सभी को? एक टॉप पे है चंदा, एक छोर पे पारी तल काया जी, कुदरत ने शिखर जी को क्या खूब सवारा है, कुदरत ने शिखर पर। हम सभी वंदना करते हैं और दो शब्द बोलने के लिए बाबू जी, पहले आपको दो शब्द बोलेंगे क्योंकि फिर लाइव का समय समापन हो रहा है और ही मिलेगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैन समाज की सेवा में लगाया, मंदिर बनवाने में लगवाया और जीर्णोद्वार करने में लगाया। ऐसे निर्मल कुमार जी सेठी हमारे बीच में हैं। बोलिए देवाधिदेव नेमिनाथ भगवान की, बोलो देवाधिदेव पारसनाथ भगवान की, बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलो समस्त 24 तीर्थंकरों की।